हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ह्यूमन हेल्थ चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने कल वीडियो मैंने डाला था, आपने देखा ही होगा कि यह जो इमेज दिखाई दे रहा है यह किसका है। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि यह इमेज किसका है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आप जैसा फीमेल ब्रेस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, फीमेल ब्रेस्ट का ही वो चित्र था जो कि वह था लोब्यूल्स। लोब्यूल में मिल्क प्रोडक्शन होता है फीमेल ब्रेस्ट में। तो एनाटॉमी ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो आपको छिद्र दिखाई दे रहा है, पूरे ज्वाइंट जो हुआ है लोब्यूल का, यहाँ पे एक छिद्र आप देख रहे हैं। इस छिद्र को हम निप्पल बोलते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है इमेज में, देखिए आप। और उसके चारों तरफ जो काला वाला भाग होता है उसे एरियोला बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एनाटॉमी दिखाई दे रहा है कि फीमेल ब्रेस्ट में फैटी टिश्यू होता है, लोब होता है, लोब यानी लोब्यूल्स जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। लोब्यूल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो यह क्या था कि लोब्यूल्स था, इनमें ही मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे डक्ट आप देख रहे हैं, ये डक्ट आप भी देख रहे हैं जो यहाँ पे, और यहाँ पे आप एरियोला देख रहे हैं, देखिए जो चारों तरफ का भाग है एरियोला इसे बोलते हैं। और जो बीच वाला भाग यहाँ पे छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, पूरे जो ट्यूब से एक भाग बना है उसे, जहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं निप्पल आपको दिखाई दे रहा है। और लोब्यूल्स, लोब्यूल्स मैंने आपको बताया था ये सब लोब्यूल्स हैं, इन्हीं लोब्यूल्स में मिल्क प्रोडक्शन होता है। वही और एनाटॉमी ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट के बारे में और जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार लोब्यूल्स आपको दिखता है, इस प्रकार आपको यहाँ पे लोब्यूल्स दिख रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे एक एक चीज मैं आपको बताना हूँ। पहला यहाँ पे देखिए चेस्ट वाल है, दूसरा पेक्टोरलिस मसल्स है, दूसरा भाग यहाँ पे लोब्यूल्स, तीसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लोब्यूल्स होते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया, और निप्पल जो कि आप यहाँ चौथा नंबर पे देखिए निप्पल, जो एक छेद होता है जो बाहर की तरफ होता है, एरियोला जो निप्पल के बगल तरफ होता है उसे एरियोला बोलते हैं। सिक्स यानी मिल्क डक्ट, मिल्क डक्ट यहाँ पे होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे जो डक्ट आपने देखा था यहाँ पे, ये डक्ट है मिल्क डक्ट। यहाँ पे देखिए आप मिल्क डक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। छठवां नंबर फैटी टिश्यू, मैंने आपको सातवां नंबर दिखाया है इसमें, और स्किन जो कि सबसे बाहर भाग होता है आठवां नंबर पे है। तो चलिए आज जानते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन किन हार्मोन के कारण होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपरी वाले भाग से आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। मिल्क प्रोडक्शन इसी हार्मोन के कारण होता है लोब्यूल्स में। और जो मिल्क इजेक्शन होता है यानी कि मिल्क निकलने की, फीमेल ब्रेस्ट निकलने की प्रक्रिया होती है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले साइड से आती है यानी कि पोस्टीरियर साइड से आती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क इजेक्शन यानी कि मिल्क इजेक्ट करने का काम करती है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि है लोब्यूल्स में मिल्क प्रोडक्शन का कार्य करती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक देख रहे हैं, मतलब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, सब सही है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है मिल्क प्रोडक्शन में काम आता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से यानी कि अगले वाले भाग से निकलता है। और ऑक्सीटोसिन जो मिल्क इजेक्शन का कार्य करता है वह पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट यानी पिछले भाग से आता है। तो इस वीडियो में यही था, जैसा कि आपने थंबनेल यहाँ पे देखा ही था, मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल ब्रेस्ट। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो धन्यवाद।